और भी की हाल चाल। तो भाई आज के लॉक की शुरुआत करते हैं, लेकिन प्रभु का नाम बोलो, जय जय श्री राम। और भाई क्या टाइम हो रहा है अभी? देखो भाई टाइम हो रहे हैं 9:09, और मैं अपनी तशरीफ अभी उठा के आया हूँ क्योंकि मेरी आँख ही नहीं खुली यार आज, क्योंकि मैं लेट सोया था। मामी जी राम राम। बालक स्कूल चले गए हमारे उठने से पहले। हाँ तो खुशी जी कैसी हैं? जी हाँ, तुम भी लेट ही उठे दिखो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है आज। 4 बजे उठ के क्या कर रही थी भाई तुम? पेपर आ रहा ना, पढ़ रही थी। अजी हाँ, और सोई कितने बजे थी? 12 बजे। बहुत डेडिकेटेड है भाई ये तो पढ़ाई के लिए। ओह माय गॉड, चलो भाई जरा अपनी लिम्बो जीन से निकाल ले मैं। दरवाजा खोल दो दीदी तुम, इसे नोट कर ले मैं हम। चलो मेरे, चलो मेरे मित्रो, जरा हमें सामान लेकर आना। वो सामान लिया मैं, उसके बाद आके मिलेंगे तुमसे, कहना पड़े भाई, उसके बाद मिलेंगे हम आपसे। निकल गई अड़को ना सही कहीं को। इसमें हवा कम हो रही क्या किसी पहिए में? इसके अंकल जी तक चलेगा पर्चा बना के। बहुत गलत अंकल जी थे तो भाई। चाइल्ड लॉक प्रोटेक्शन, पानी भी नहीं पीने दूंगा एक एक को भी है कुछ। क्या संभाल दूंगा बालक को, पानी नहीं देने। बर्फ का पानी आएगा, फ्रिज की जरूरत ही खत्म। किसी को पानी नहीं पीने दूंगा, ऐसा पासवर्ड सेट कर दूंगा। तो खुशी तो जाके मेरे काम शुरू करने कर रही तो अपना पुट्टी खींचने का है। तो गर्मी से क्या मतलब है, तू अपना काम कर। जब तो मालिक दिहाड़ी नहीं मिली, दिहाड़ी देंगे पहले काम तो कर, आते ही पहले दिहाड़ी लेगी उसकी तो दे चुके हम। मुझे नहीं मिली। ले गए भाई, ले गए सारे कर्मचारी ले गए। बस पहला काम करो भाई, हमने तो ठेका दे दिया। अरे आ जा काम कर, वो अभी 10-15 मिनट में आ गए। जब पीओपी वाला आ जाएगा उसके बाद आएगा अंकल, अगर आप समझ पा रहे हैं तो। मैं चल पागल बैल बुद्धि लौंडिया। फिर भी अंदाजन 70 साल की हो गई होगी नानी जी तुम? ना ना 70 की तो बाबा जी होंगे, ज्यादा होंगे बाबा जी। क्यों 65 साल के बड़े ताऊ हो गए? क्या आप बड़े ताऊ की उम्र की हो? या क्या पता भाई, मुझे धोखा लग रहा है 65 के ना हो बड़े ताऊ। मुझे ना 55 के आसपास होंगे। 55 के पापा, 50-55 इसका पापा, 50 की इसकी माँ हो गई, 50 की मम्मी जी हो गई। वो बोले सही बात अलग है, मम्मी जवान है अभी हमारी लड़की सी लगा। बात सुन, मैं 19 साल की देख रही हूँ मम्मी तुम्हारी साइड ले रहा हूँ। जब का याद है 50 की इसकी माँ होगी, 19 और 50 कितने हो गए? तो बस कितने की हो गई मैं? तो बस 70 की मान ली हमने राउंड फिगर में। 70 की हो गई, 70 की नानी हो गई, 50 की मम्मी हो गई, 55 के पापा हो गए। तो भाई 65 के तो हो गए होंगे बड़े ताऊ भी, क्योंकि बड़े पापा से कितने बड़े हैं? शिवराज ताऊ 3 साल बड़े हैं पापा से, तो 58 के छोटे ताऊ हो गए। ठीक है, फिर रूपा बुआ है, ठीक है, फिर दीपा बुआ है, फिर बड़े ताऊ छोटे बड़े ताऊ हैं। बड़े ताऊ सबसे ही बड़े हैं क्या? ना, फिर मिथिलेश बुआ है और राधा बुआ है। अरे मिस्सा तो ज्यादा ना भाई, ना 65 के तो हो गए, 65 के तो हो गए होंगे। मिस्सा ज्यादा उम्र की ना था। अब 55 के पापा हैं, 3 साल बड़े छोटे ताऊ, 1 साल रूपा बुआ होंगी, 58 के 59 के करीब की। पागल है क्या? जब दादी कह रही है कि वो दादी से। अरे राधा बुआ है वो भाई, राधा जी कृष्णा जी समझे, राधा बुआ होंगी इतनी की, इन्हीं की एज की होंगी वे 70 के 77। ना ना बराबर की मान लिया हमने, मान के चल रहे। तेरे नाना से पहले रिटायर होया तेरा फुप्पा है? अच्छा बताओ, ज्यादा फिर तो ज्यादा देख ले भाई। ना छोटे ताऊ बड़े ताऊ तो 65 साल की हैं, इनमें 10 साल का फर्क है। पापा मैं और बड़े ताऊ में, बुआ की शादी कितनी हुई? यार बड़े ताऊ भी बहुत बड़े, 10 साल बड़े पापा से। तो ईशु भैया मेरे से 8 साल बड़े, मैं 22 का चल लिया हूँ, ईशु भैया 29 या 30 में हो गए होंगे। ईशु भैया भी 30-20 हाँ, मैं 22 का हो गया। तो ईशु भैया की शादी हुई थी 27-28 में, तो 2 साल तो ब्याह को भी हो गए ईशु भैया के, 30 ही मान लो, राउंड फिगर में बात करो।
तो 8 साल बड़े हैं ईशु भैया मेरे से। बहुत बड़े यार ईशु भैया जी। नहीं मैं तो बहुत छोटा ये मुझे नहीं पता। 22 साल का हाँ। क्या साल बाद होया भैया मैं? 2001 में होया मैं। अच्छा 3 साल बाद हो गया और उसमें बुलबुल दीदी भी हो गई। 96 मुझे क्या पता 25 से ज्यादा 25 से ज्यादा हो गए। 96 नानी 19 तारीख को ही तो था भैया। दारी क्या था मुझे अपने तो बोलिए तू मई। अरे तो अच्छा एनिवर्सरी आने वाली फिर तो 4 साल। नानी ने खिंचवाया मेरा व्लॉग नहीं तो मैं सोच रहा था आज की ड्यूरेशन कैसे पूरी होगी। ऐसा होगी चलता ही नहीं। तू है असली कंटेंट क्रिएटर खुशी मान गया मैं तुझे। अरे तेरे ब्याह से 4 साल पहले हुई खुशी प्रकाशित करा मैंने थोड़ा सा। तेरा ब्याह मार्च में था बिल्कुल अप्रैल में 4 साल की हो गई 3 की एडमिशन किया था। हां 3 की तेज बोल लो तेज। 4 साल पहले हुई तेरे ब्याह से। अरे हम कहाँ बात कर रहे हैं तुम भी आप चले गई। 4 साल छोटा दीदी से मैं तो सबसे ही छोटा मैं तो घर में। अब मैं 22 साल का हो गया बताओ घर का सबसे छोटा सदस्य था मैं। वाकई में तू तो पागल है। और अब मेरे से छोटी है विभू लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन में सबसे बड़ी है है नहीं। कायदे में बात करी जाए तो सबसे बड़ी हो गई बताओ है नहीं। अभी 1 साल की शादी हुई है इसका तो मेरे से भी ज्यादा बड़ा वजूद है नहीं। देखो वैसे भी वो सबसे छोटी है लेकिन अगर हमारी जनरेशन को सरपास कर दिया जाए तो वो सबसे बड़ी है। कितनी क्यूट लग रही है। उधर राधा बुआ का दर्जा दिया जाएगा समझे मेरे मित्रों। क्या तुम समझ पा रहे हो मेरे मित्रों? नहीं समझ पा रहे हो तो समझ लो मेरे मित्रों। देखो जो मेरी बात मानता है ना वो सदा सुखी रहता। मैं अपनी बात नहीं मानता इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूँ। जीवन में अपने बहुत अच्छा करो। कैसे बहुत बड़ा सवाल पैर मत रख दिए कभी महक लेती चले साथ अपने ओवर। अभी हम कहाँ जा रहे हैं इतनी दोपहर में मुझे तो बताओ कोई बात। भाई साहब आदमी नहीं दिख रहा रोड पे। मैं तो सोच रहा था बिजनौर में कोई ना दिख रहा तो हरिद्वार में भी कोई ना दिख रहा। आंटी हमें ऐसे देख रही हमारे सिर में है हमारे सिर में खाज है मेरे सिर में तो जू हो रही भैया बहुत बड़ी बड़ी इसलिए मैंने बाल छोटे कटवाए। एक जू नहीं है बहुत हाइजीन वाला बंदा हूँ मैं समझ गई इसके सिर में है लेकिन इतनी बड़ी बड़ी जू चल रही इतनी बड़ी बड़ी डिंगार कहते हैं डिंगार। बड़ी पेटी ले लो मम्मा जी क्यों ले लो तू भी बोल लगी अब जा ज्यादा मुहूर्त निकाली है तो और कितना सामान रखोगे इसमें तो रोटी देना भाई मुहूर्त थोड़ी खिलाऊंगा सामान वापस थोड़ी लेके जाना है लेकिन अपने भूतों की कहानी सही बात है क्या कह रहे हैं पैसे आते के साथ फिर क्या बाल उड़ने लगे ये कैच कर ली तुमने बात पूरी। हाँ भूत की कहानी सुनाओ तुम तो दादी क्या बता रही थी कि यहाँ पे कोई औरत रहती थी पार्लर वार्लर में काम करती थी वो पहले जब उसने रहना शुरू किया था उससे पहले से भी यहाँ पे कोई दो एक बुढ़े अंकल आंटी रहते थे। अच्छा वो पता नहीं कहाँ चले गए थे या मर गए थे रातों रात पता नहीं चला। अच्छा फिर तो उसके बाद वो आंटी रही थी फिर उनका जीना क्यों अंकल जी की अंकल जी की कभी पंखा चल रहा कभी दरवाजा खुल गया नीचे का अपने आप कभी कुछ मतलब ऐसे बताती हैं रात ये अंकल जी ने सोने नहीं दिया रात में परेशान रखा आंटी जी को। अब ये नहीं पता कि किसने किसे परेशान किया या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है या सामान जो प्लॉट है इसको कब जाना लिया जाए पर फिर भी कब जा लिया अंकल जी ने पैसे दे गए लेकिन ठीक
भाई ये पागल है भाई, लड़की है वो। उसके बाद सो गए क्योंकि गलत से मैच हो गए थे। भैया मेरे मुंह से निकल गई, मुझे पता नहीं चला है। वहाँ पैसे जमा कर रहे हैं, खिड़खिड़ 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 कर रहे हैं पागल से। कैसे मतलब, किसी को पेट्रोल निकालना हो तो निकाल लियो, खुली खड़ी टंकी। कुछ कहना चाहेंगे आप? स्कूटी रहती तो निकाल लेती पाइप से। होगा पैर के नीचे के जितने भी प्रेशर पॉइंट्स। अच्छा अच्छा अच्छा, चाहे यहाँ सारे पैर दब जाऊँ, प्रेशर पॉइंट जरूर दबने। भाई पागल है, तेरे तो बिल्कुल सन्ना दुश्मन आ रहा है तुझसे। मेरी शक्ति और गलत इस्तेमाल हो रही है मम्मी। एक तो मुझे बैंक कह कह के हेली आई 10 किलोमीटर दूर, जाहिल महिला। ऊपर से कह रही बहुत सुंदर जगह दिखाऊंगी। नहीं सुंदर तो है, भगवान जी का भी भगवान जी सुंदर ही होते हैं हमेशा। पर ये है बहुत अट्टी किस्म की महिला भाई। तेरा यहीं आना की वजह से तेरा काम अटक रहा है। सही कह रही तो, अब आ गए, अब देखेंगे ले चल। बहुत सारे लोग चल लिए नंगे पैर, मेरे से बिल्कुल नहीं चला जाता नंगे। मतलब हल्का सा भी कंकड़ पत्थर है ना तो मेरे से बिल्कुल नहीं चला जाता, पता नहीं क्यों अजीब सा ना झुक ना। पैरों में गद्दे ज्यादा हैं और गद्दों में फिर तो चुभई है चीजें। जिनके पैर कड़क रहे ना बिल्कुल, उन्हें ना चुभती कोई चीज। अंकल जी ने धम्मा धुम्मा उठा दिया। ये एक मिनट रुक जाते जरा थोड़ा सा, हम निकल जाते। भैया मैं तो खो गया धुएं में भाई साहब। ये क्या चीज रखी है, ये लोगों ने बना रखी है? मकान बना रखे लोग। जैसा कि तुम लोगों को पता ही है कि मैंने चुटिया छोड़ रखी है, तो वो चुटिया ना एक्चुअली मुझे थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही थी, तो मैंने ना क्लेचर बांध दिया। देखो अब तुम्हें पता ही है ना यार, उंगली मत भेज दियो कभी इनका, टमाटर सा पीस दो इसमें रख। तो भाई फिलहाल तो आए गंगा जी, तुम भी देख लो दर्शन कर लो जिसे करने हो। गंगा जी जो बहुत दूर के सब्सक्राइबर हो मेरे, जिसे गंगा जी का नाम ही नाम पता हो, बस पानी देखा ही ना हो गंगा जी का आज से पहले कभी, तो देख लो। मुझे कमेंट सेक्शन में बता दियो, मैं एक एक बोतल भेज दूंगा सबके घर एड्रेस के साथ। क्या कौन सा आज रात को बारिश होता रखी सरकार ने बहुत जोर से, मोदी जी ने कह दिया बारिश ही बारिश है आज और कुछ नहीं है उसके अलावा। काला बादल पड़ा बिल्कुल, काला बादल भाई साहब। भाई ये वाला पूरा व्यू ले ना इधर का। जी हाँ भाई, इसी नोट पे आज का व्लॉग करते हैं एंड। अगर व्लॉग पे ज्यादा तो प्लीज लाइक।